सुबह सुबह नहीं मिलेंगे पगली, चलो प्लान बनाते हैं शाम का। और आज चारों तरफ जलवा है फौजी सीजे के नाम का। तो यार आज मैं आप लोगों से कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों से मेरे गेम प्ले में शायरियाँ कम गालियाँ ज्यादा आ रही हैं, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर मुझसे गुस्सा हैं। पता है जब मैं YouTube में आया था ना भाइयों, तो मैंने खुद से सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया था कि मैं पब्लिक को भरपूर एंटरटेनमेंट दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि लोग मेरी शायरियाँ सुन सुन के दीवाने बन जाएंगे। लेकिन पता नहीं कैसे पर आजकल मैं अपने ही प्रॉमिस से भटक रहा हूँ। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है, तो फिकर नॉट ब्रो, तेरा ब्रो इज प्रो। अब मैं आपको पुरानी वाली वाइब दूंगा, अब गालियां नहीं सिर्फ शायरियां सुनाई देंगी। साथ ही मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुझसे गुस्सा थे, और उन लोगों से भी जो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ मेरी वीडियो देखा करते हैं। आज से सिर्फ तबाही भरे गेम प्ले आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब सामने की तरफ बंदे थे, तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि वो हटें तो हम आगे बढ़ें। पर हमें क्या पता था कि हमारे पीछे भी बंदा है। अब इसको तो निपटा दिया, और फिर मुझे लगा कि चलो अब आगे चल के गन लूटते हैं और फिर बंदों को पेलते हैं। लेकिन यार गन लूटना इतना आसान नहीं था। ऊपर 8-10 बंदे बोले, मजा आ रहा था ऊपर आके। यार अब मुझे लगा कि वो चला गया है, तो मैं चुपके चुपके पेटियों के पास आया। मुझे रिवाइव कर दो। अरे गजब यार सोनी गेमिंग, मानना पड़ेगा यार। जादू भाई तेरा तो बस नाम जादू है, पर आज तेरी गर्लफ्रेंड ने सच में जादू दिखा दिया। खैर इसको निपटाने के बाद हमें लगा कि बस अब चुनौतियां खत्म हो गई हैं। लेकिन ऐसे कैसे, संघर्ष मेरा नाम और संघर्ष ही मेरा काम। गाली गाली दे। अब इसको तो निपटा दिया, और इसकी पेटी से मुझे अच्छी खासी लूट का जुगाड़ होने ही वाला था, पर सोनी गेमिंग ने UMP उठा के ले गई और मुझे मिली ओनली ए भम भम वाली शॉटगन। अरे मेरे बगल में बंदा पहुंच भाई, मारो ना जी। तो ले बेटा, भम 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 भमाक। इतने मुझे लगता है आत्महत्या करने की सोची थी। तो फाइनली इस बंदे को भी निपटाया, और अब माहौल थोड़ा सही हुआ, क्योंकि जब से साला उतरे हैं तब से लूट के लाले लगे पड़े थे। आ रहे हो? चलो नहीं है ठीक है ना। तुम आगे वाले मारो, आगे वाले मारो। यहाँ वॉच आउट, ये पर आया वॉच आउट। अब इन दोनों को निपटाने के बाद हम लोग लूटा लाठी करके सीधे अंदर की तरफ धावा बोलते हैं, पर उत्तई में लेफ्ट से फुर्सत पाती है। देखो बाहर है, नीचे 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 छोड़ो। कहाँ है? अब यार ये तीन बंदे थे, तो मैंने बोला भैया रिसा कर नहीं लेना, सबसे पहले पट्टी लगाओ उसके बाद धावा बोलो। अब दो बचे ना ये। ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, एक भी बंदा नहीं होगा बोर, क्योंकि आज फौजी चलाएगा बड़ी जोर से किल स्कोर।
तो इन बंदों को भी निपटाया और फिर मैंने सोचा कि फटाक से चल के पहले रिकॉल कार्ड उठा लिया जाए। लेकिन अब ये बेचारा क्रेट खोल ही रहा था पर मैंने इसके साथ पीछे से छलकपट कर दिया। कसम से ऐसी मौत में ना बहुत बुरा लगता है यार, सीधे गाली आती है मुंह में। खैर उसके बाद मैंने समोक किया और सोचा कि जाके क्रेट खोलूं, लेकिन अब यार यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला था और सामने की तरफ तीन चार बंदे, तो फट तो बहुत रही थी क्योंकि संगठन में शक्ति अकेले में सबकी फटती। अब इन दो बंदों को निपटाने के बाद मैंने फटाक से रिकॉल कार्ड उठाया और फिर अपने टीममेटों को यहाँ आके रिकॉल भी किया। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर ना पता हो तो भैया ये कुर्सी रिकॉल भी कर देती है और फ्लाइट लाइट में उड़ने की चिकल्लस भी खत्म, सीधे आप लोग यहीं स्पॉन हो जाओगे। अरे भाई अब सोनी गेमिंग को रिवाइव करना था और वो बंदे भैया रस कर सकते थे, इसलिए मैंने दरवाजे में एक जलती बोतल में आग फेंकी और फिर सोनी गेमिंग को रिवाइव किया। खैर फिर चार नंबर रैंडम टीममेट एक को तो निपटा देता है पर एक और बचा है, तो मैं जिग जैक अगर लाइफ में आगे बढ़ना हो तो गंदी आदतों से दूर ही रहना, और बेटा फौजी सीजे से पंगा मत ले क्योंकि तेरे बस की नहीं उसकी M4 को सहना। तो यार फाइनली इस बंदे को भी निपटा दिया और इसी के साथ इलाका पूरा का पूरा खाली हो जाता है सिवाय हमारे सम्मानी आदमी बोटादा के, तो इनकी भी सम्मान पूर्वक पेटी बनाई और फिर लूटा लाटी करके हम लोग इस तरह पाए। तभी मुझे एक भेड़िया दिखता है। बंदे उसके आ जाओ फिर तो सीन है, राइट में भी है ड्रॉप के पास, आप डाल दो नाइट आ गया ये। अरे गलत डाल दी यार, अरे गया फिर भी नहीं, सही ही डाली थी, पेड़ में ऐसा ही डाली जाती है। फिलहाल यार यहाँ पे इसके और भी टीममेट थे, जिनमें से एक ये था, लेकिन यार ये थोड़ी देर के बाद पीछे वाले किले में फॉल बैक कर लेता है। वो रुको वो सामने वो दिख रहा है। अब यार यहाँ खड़े होके टकोर टकोर करने से अच्छा मैंने बोला भैया सीधे उनके ऊपर धावा बोलो, पर यहाँ आने के बाद वो बंदा फिर से गायब हो गया, तो उसे हम लोग काफी देर तक ढूंढते हैं। और तभी पहले मेरे आगे आ गया, अरे कहाँ से गोली लगी, एक और आया। अबे मैं सही जगह में हूँ, बचा ना। अबे सही, अरे यार ले अच्छा जावा। बोला था उससे मैं सही जगह में हूँ पर वो माना ना। खैर कोई बात नहीं, जो गलत है वो ही गलत है, तो उस गेम प्ले को हटाओ, सीधा इस गेम प्ले में आओ। ये भैया और ही ज्यादा खतरनाक गेम प्ले है, पर फिलहाल हम लोग उतरे हैं डरकोला के किला में, तो चलो पकड़ते हैं बंदों को। मेरे सामने तकरीबन
अब इसको निपटाया और दूसरे को हल्का सा डैमेज दिया और फिर सीधा इस घर में धप्पा कर दिया। खैर इन दो बंदों को निपटाने के बाद मैं लूटा लाटी करके सीधा आगे की तरफ जाता हूँ। बेटा कैंपर मारेंगे बहुत भयंकर। अब वो बंदा डैमेज होने के बाद भाग रहा था, पर हम भी तब तक पीछा करेंगे जब तक साले को दबोचेंगे नहीं। आराम से ही नहीं लगा रहा। अब दबोचने किसी और को आए थे लेकिन कोई और भी निपट गया। इसीलिए बोलते हैं अपने लक्ष्य का हमेशा पीछा करते रहो, का पता कोई सरप्राइज ही मिल जाए। खैर शुरुआत में मैंने कन्फेंस किया था और अभी मुझे उसी वजह से कुछ याद आया। मैंने एक चीज अजमाई है यार, जब जब तुम्हारी भाभी ब्लॉग डालती है तो आप लोग भैया भर भर के व्यू देते हो, 80-90 हजार व्यू तो यूं हो जाते हैं, और जब जब मैं डालता हूँ तो 20-25 हजार में अटक जाते हो। ऐसा क्यों भैया? देख लो भाई, अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चैनल मेरा लोगाई मेरी, पर जब वो वीडियो डाल रही तो भर भर के व्यू दे रहे और जब मैं डाल रहा तो पता ही नहीं चल रहा व्यू का। सारा सब्सक्राइबर मेरे हो कि उसके? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगर ये सब सुनने के बाद थोड़ी सी भी आप लोगों को शर्म आई हो ना, मतलब आंखें झुक गई हो नीचे की तरफ, तो जाके मेरे नए ब्लॉग्स को देख लेना यार। रामेश्वरम गया था सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ अलग, तो भैया देखो ना जाके। लिंक आपको पिन कमेंट में भी दे दी है और ये फौजी ब्लॉग का चैनल में जाके सर्च भी कर सकते हो आप लोग, बहुत मस्त मस्त ब्लॉग है यार। कर दो भाई। अब यहाँ तो हम लोग निपट गए, पर कोई दिक्कत नहीं, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। तो हम लोग सीधा पोचंकी जाते हैं और यहाँ आते ही हमें एक बंदा दिखता है, तो इसकी पेटी बनाई, उतने में मुझे एक फुटस्टेप और आई। पर यहाँ आने के बाद पता चला ये एक नहीं पूरे के पूरे चार हैं यार। Help! अब एक को निपटा दिया, दो और बचे थे जिनमें से एक की फुटस्टेप मेरे वाले घर से आ रही थी और एक बंदा सैक में लुकनी टीप खेल रहा था। डालो सैक में, घर पे भी है सैक वाले, तुझे मार दो। गलती की है तो सजा भी मिलेगी, कोई भाग नहीं पाएगा बच करके। और बेटा तू अकेला क्या उखाड़ लेगा फौजी सीजे का, वो निकल जाएगा चुपके से तेरी स्क्वाड को क्लच करके। अब इन बंदों को तो निपटा दिया, पर मेरे टीममेट के बताए अनुसार कुछ बंदे चर्च में भी थे, तो फिर क्या था, हम लोग बिना किसी देरी के सीधा उनके ऊपर रस करते हैं। अबे साला कितनी गोली खाया बे? फिलहाल यार वो गोली खा के भागा तो मुझे लगा कि शायद चरचाई में छुपा होगा, पट्टी लगा रहा होगा, पर भैया बहुत है भेड़िया, ऐसा भागे पता नहीं कब सकॉर्ड हाउस पहुंच गए। तो फिर क्या, हम भी जोश जोश में घुस गए और देखो अब आगे।
अब इसको निपटाने के बाद मैं लूटा लाटी करके यहीं पे उड़ रहा था। सोच रहा था कि एक आध बंदा और दिख जाए तो उसको भी लपेट लें। कोई अपनों की मार रहे हो? पूरी टीम है वो? पर यार यहाँ पे एक नहीं, पूरी की पूरी एक स्क्वाड जाती है। अरे पुश मार दिए यार, तो अब हो गया काम उनका। पूरी टीम है चार बंदे, ठीक है डैमेज दिया दोनों को हेड हेड। एक तो कभी नीचे आ गया अपने ब्रो, और भाई संभालना तुमको। ऑसम। अब इसको निपटा दिया, उसके बाद मैं सोनी को रिवाइव करके सीधा यहाँ आया और तभी मेरे टीममेट ने बताया कि उसका दूसरा टीममेट ये सामने वाले घर में है। उसका मुझे पता नहीं, इसमें घर में बंदे हैं। अब जादू को किसी ने लपेट दिया था, पर किसने लपेटा और कहां से लपेटा ये समझ ना आया। पर फिर थोड़ी देर के बाद मुझे चर्च से गोलियां चलने की आवाज आती हैं, तो मुझे लगा बंदा वही है। पर कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई। अरे मां, गोली चले तब तक, पेटी न बनी जब तक। तो यार इसी के साथ इस मैच की भी समाप्ति होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना नाइस, और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।